गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और अभी बज रहे हैं सुबह के 8। रोज़ मैं ऐसा सोचती हूँ कि मैं व्लॉग आज स्टार्ट करूँगी, बट वो हो ही नहीं पाता। इसलिए मैंने कल रात में ही सोच लिया था कि मैं व्लॉगिंग की स्टार्टिंग मॉर्निंग से ही करूँगी, चाहे कैसी भी वीडियो बने, बट मैं स्टार्ट तो करूँ। सो प्लीज़ गाइस, मेरे चैनल को सपोर्ट करना और बहुत सारा प्यार देना ताकि मैं बहुत ही अच्छे अच्छे वीडियो बना सकूं। तो जैसा कि आपने देखा कि मेरी मॉर्निंग कैसे स्टार्ट होती है, तो ये मेरा डेली रूटीन होता है कि मैं सुबह सबसे पहले उठ के बर्तन और झाड़ू पोछा वगैरह है वो घर के जो छोटे छोटे काम होते हैं वो मैं मॉर्निंग में ही ख़त्म कर देती हूँ। क्योंकि क्या होता है ना कि अगर आप एक भी काम मॉर्निंग में ख़त्म नहीं करते तो फिर आपको दिन भर वो काम मीन्स करने का टेंशन होता है। सो, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं ये काम डेली मॉर्निंग में ही ख़त्म कर दूँ। और आज मेरा फर्स्ट डेली रूटीन वाला व्लॉग है, तो मैं कोशिश करूँगी कि आज मैं दिन में जो जो काम करूँ वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ कि मेरी डेली रूटीन क्या होती है। वैसे तो मैं आपको बता दूँ कि डेली कुछ ना कुछ ऐसे एक्स्ट्रा काम भी होते हैं जो हम डेली नहीं करते। मैं कोशिश करूँगी कि मैं आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे व्लॉग्स बना सकूँ। और बस मैं आपको थोड़ी देर के बाद मिलती हूँ। सो गाइज, मैं नहा के रेडी हो चुकी हूँ और मेरी पूजा भी हो चुकी है। तो गाइज, मैंने ये फ्लिपकार्ट से ये कर्टन ऑर्डर किए थे, तो आप देख सकते हो कि ये दिखने में बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा है। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया क्योंकि मैं हमेशा डार्क कलर के कर्टन्स लेती थी, बट मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई किया लाइट कलर का। और मैं आपको बता दूं कि ये ब्लैकआउट कर्टन तो नहीं है बट उतना ज़्यादा ट्रांसपेरेंट भी नहीं है, तो मुझे अच्छा लगा। एक्चुअली ना, मुझे सारी जगह पे कर्टन लगाने हैं, आप देख सकते हो कहीं पर भी कर्टन नहीं लगा हुआ है। और मैंने यहाँ पे कर्टन लगाया हुआ है बट मुझे यहाँ पे दो लगाने हैं, तो फ़िलहाल तो अभी एक ही लगा है तो इसे मैं दो कर देती हूँ, तब इसका लुक बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे ना दो कर्टन लगाने से शायद लुक डिफरेंट है, तो ट्राई करके देखते हैं। कर्टन्स लग चुके हैं और ये मैंने एक कर्टन को डबल कर दिया, तो अब ये कुछ इस तरीके से लग रहा है, तो आई थिंक ये पहले से ज़्यादा बेटर लग रहा है। सो गाइज, मैंने विंडोज़ और डोर्स के लिए सेम कर्टन्स ऑर्डर किए थे फ्लिपकार्ट से, तो आप देख सकते हो उसकी लेंथ इतनी ज़्यादा है कि मुझे इसे बहुत ज़्यादा कट करना पड़ेगा। तो जब ये कट हो जाएगा उसके बाद ही मैं डोर्स पे लगा पाऊँगी। गाइज, पर्दे की जो लेंथ है वो इतनी ज़्यादा है, आप देख सकते हो इतनी ज़्यादा है, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं इतना फोल्ड करूँ या इसे कट करूँ।
तो गाइज मैंने डिसाइड किया है कि मैं इस पर्दे को कट नहीं करूंगी, मैं इसे फोल्ड करूंगी और जितनी लेंथ मुझे चाहिए और मैं सिलाई मार दूंगी। प्लीज मैं अभी पर्दे को फोल्ड करके उसमें सिलाई करने वाली हूँ, क्योंकि मैं सोच रही हूँ कि पर्दे का जो काम है वो मैं आज ही फिनिश कर दूँ, क्योंकि क्या है ना कि दरवाजे वगैरह पे पर्दे लग जाते हैं तो ज़्यादा अच्छा लगता है घर। तो मैं आपको बताती हूँ कि ये पीछे आप देख सकते हो, पीछे मेरी सिलाई मशीन रख, तो जल्दी जल्दी से ये पर्दे और मशीन का काम करते हैं, उसके बाद हम लगाएंगे घर में पर्दे। सो गाइज अभी मेरे 3 पर्दे रेडी हो चुके हैं, बट एक डोर कर्टन और एक विंडो का कर्टन, 2 कर्टन मुझे अभी भी ठीक करने हैं, उसके बाद ही मैं इसे लगा पाऊंगी। 3 पर्दे बनाने के बाद मैंने लिया है थोड़ा सा ब्रेक, क्योंकि मुझे अभी खाना बनाना है, मेरे हस्बैंड आते ही होंगे, तो ये सब काम तो बाद में भी हो सकता है, बट खाना मैं पहले बना के तैयार कर देती हूँ। तो चलते हैं। Never thought I'd feel like this. दाल चावल देख सकते हैं यहाँ पे मैंने चढ़ा लिया है और मेरी सब्जी भी बन गई है, तो बस खाना बन जाए उसके बाद फिर मैं पर्दे का काम आज ही खत्म करूंगी, और पर्दा लगाने के बाद भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कैसा लग रहा है। और गाइज मैं आप लोगों को एक बात और बताना चाहती हूँ कि आपने देखा कि मैंने दाल में हल्दी नमक के साथ छोटा सा गुड़ का टुकड़ा भी डाला, क्योंकि क्या होता है ना कि दाल में गुड़ का टुकड़ा डालने से दाल का स्वाद है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो जाता है। तो ये एक छोटा सा किचन टिप्स है, तो अगर हो सके तो आप लोग भी एक बार ज़रूर ट्राई करना कि दाल में आप छोटा सा गुड़ का टुकड़ा डाल देना, ताकि उसका स्वाद आपको कैसा लगेगा आप प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना। खाना बन चुका है और मैं कर रही हूँ अपने हस्बैंड का इंतज़ार, वो जैसे ही आएंगे फिर हम खाएंगे खाना, तो देखते हैं कितने टाइम में आते हैं। सो गाइस फाइनली मेरे पर्दे का काम ख़त्म हो चुका है और मैं लगाने जा रही हूँ अब पर्दे। तो आप देख सकते हो घर अभी कुछ इस तरीके से लग रहा है बिना पर्दों के। अब मैं आपको पर्दा लगाने के बाद फाइनल लुक दिखाती हूँ। ये पर्दे लग गए हैं और मैं आपको बैक कैमरे से दिखाती हूँ कि कैसा लग रहा है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बाय गाइस, कल के ब्लॉग पे मिलते हैं।